आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भगवान हम सबको चैलेंज देता है, हम सबकी जिंदगी में चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो लोग वाकई में ही बधाई के पात्र होते हैं जो इन चुनौतियों का स्वागत करते हैं, इनसे लड़ते हैं और अपने आप को उन लोगों की कतार में लाकर खड़ा कर देते हैं जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं। दोस्तों, कई बार मैं सोचता हूं क्यों सिर्फ 5 से 10% लोग ही कामयाबी की दावेदारी रखते हैं, क्यों कुछ लोग ही सिर्फ कामयाबी की विरासत को हासिल कर पाते हैं, किस तरह से कामयाब लोग उन लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, आखिर क्या रहस्य है। दोस्तों, अगर आप देखें कि कामयाब लोग नाकामयाब लोगों से किस तरह से अलग हैं, तो आप पाएंगे सिर्फ एक चीज को हम छोड़ दें तो हम सब एक जैसे हैं, वही दो हाथ, दो आंखें, दो लात, वो शरीर, बाल, सब कुछ एक जैसा हम सबका। सिर्फ एक चीज भगवान ने सबको अलग अलग दी है और उस चीज का नाम है सोच। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है सोच। ये सोच है जो लोगों को अलग करती है, ये सोच है जो तय करती है कि आप वहां बैठेंगे कि यहां आएंगे। सबसे ताकतवर चीज सोच है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है पहले वो आपकी सोच में घटित होता है, बाद में वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट होता है। आज आप जो कुछ भी हैं, जिस हालात में भी हैं, अपनी किसी सोच के तरीके की संतान है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सोचने के तरीके का नतीजा मात्र है। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन ये सच है। ताजमहल सबसे पहले कहां निर्मित हुआ? आगरा में नहीं, उस आदमी की सोच में निर्मित हुआ जिसने उसे बनाने का ख्वाब देखा था। वो ताजमहल पहले किसी सोच में बन चुका था, बाद में किसी ने उस सोच को हकीकत में तब्दील करने के लिए कमर कसी और एक ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ जो आज तक पूरे विश्व के 7 आश्चर्यों में अपनी जगह बना के बैठी है। यानी आपके जीवन में जो भी घटना होती है पहले आपके सोच में घटित होती है, फिर जमीनी हकीकत में आती है। आप कहेंगे कि ये सब बातें बताने का फायदा क्या है? अब मैं कुछ हैरान करने वाली बातें बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में घटने वाली एक एक घटना सिर्फ आपके सोचने के एक तरीके का नतीजा है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में आने वाली हर सुखी घटना या दुखी घटना का चुनाव आपने खुद किया है, अगर मैं आपसे कहूं आप दुखी हैं या सुखी हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, ये भी आपने खुद किया है, आपके जीवन में होने वाली एक एक घटना के जिम्मेदार आप हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं यहां तक कि अगर आपको चोट लग जाती है, जिसे आप एक्सीडेंट का नाम देते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर आप बीमार हो जाते हैं, वो घटना भी आपके सोचने का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे ये क्या बकवास है, भला मैं क्यों चाहूंगा कि मैं दुखी हो जाऊं, भला मैं क्यों चाहूंगा कि मैं बीमार हो जाऊं, भला मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे चोट लग जाए, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, भला मैं क्यों चाहूंगा? आपके जीवन में होने वाली एक एक घटना हमारे सोचने के एक पैटर्न की संतान है। आप चाहें तो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। शायद आप अभी मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज अभी इस स्टेज पर यह साबित करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं
वो 100% सच है। आपको शायद मालूम नहीं, उस ऊपर वाले परवरदिगार ने, उस भगवान ने हमें एक बहुत ही ताकतवर चीज दी है, सोच। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसकी ताकत से अनजान हैं और ज्यादातर इस सोच का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। ज्यादातर इस सोच का इस्तेमाल कुछ इस ढंग से होता है कि हमारे जीवन में जो खूबसूरत होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज मैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाऊंगा कि आज से आप सजग हो जाएंगे, विजिलेंट हो जाएंगे कि अपने इस शस्त्र का, अपनी सोच का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आगे का जीवन बड़ा सुखमय हो जाए, आगे का जीवन वैसे ही चले जैसा आप चाहते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपके जीवन में घटने वाली हर घटना आपकी सोच का नतीजा है। क्या आप सुनने को तैयार हैं? सुनिएगा। कुछ महीने पहले की बात है, मेरे एक आदर्श टीचर हैं सहजपाल अंकल। मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ चंद आदर्श लोग होंगे, उनमें से वो एक हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, अपना पिता मानता हूं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त हैं जो उन्हें गुरु और पिता मानते हैं। मेरे साथी संजीव छिब्बर भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी मैं करता हूं। उन्होंने मुझे आज से कुछ महीने पहले एक किताब दी और उस किताब का नाम था हील योर बॉडी। वो किताब एक लेडी ने लिखी थी और उस लेडी का नाम है लुईस एल हे। क्या आप मेरे साथ ये नाम बोल सकते हैं? लुईस एल हे। आप कहेंगे मैं इस किताब का जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों। इस किताब को पढ़ते ही मुझे ये यकीन हो गया, मुझे वो सबूत मिल गया कि सोच कितनी ताकतवर है। इस किताब में जिक्र था कि आप अपनी सोच से अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस किताब में लिखा था कि आज आपको जो भी बीमारी है वो आपके सोचने के किसी ना किसी तरीके का नतीजा है। इस किताब की जो ऑथर हैं, जो लेखिका हैं, जिनका नाम लुईस एल हे है, उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा कि मुझे कैंसर था। क्या था? डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और तब उन्हें पता चला कि ये कैंसर उनके सोचने के एक खराब तरीके का नतीजा है। उन्होंने अपनी सोच पे काम किया, उनकी रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं। और दोस्तों, सिर्फ अपने सोचने के तरीके में बदलाव करके उस लेडी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया। और ये सब प्रमाणित बातें हैं, ये सब फैक्ट बातें हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी इस पर रिसर्च करने में और किताब लिखी जिसका नाम है हील योर बॉडी। इस किताब में लुईस एल हे ने जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं और उनसे संबंधित जितने भी तरह के सोचने के तरीके होते हैं उनका जिक्र किया है। उसने बताया है कि आप कब खराब सोचते हैं तो उससे किस तरह की बीमारी पैदा होती है, और वो मैं यहां स्टेज पे आपको साबित करके दिखा दूंगा। थैंक यू। आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर ये बुक को दिखाया जा रहा है, हील योर बॉडी। थैंक यू। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, मैं पूरी सच्चाई से आपके सामने ये एडमिट करता हूं कि उस दिन उस बात पर मेरा विश्वास 100 गुना अधिक बढ़ गया कि दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज होती है तो वो सोच होती है। अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें बीमार कर सकता है, अगर हमारे सोचने का एक तरीका हमें ठीक कर सकता है, तो हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकता है और सारे सपने भी पूरा कर सकता है। शायद आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूं अब अपना वाक्य। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा कि लुईस हे का कैंसर तो ठीक हो गया, जरा मैं देखूं कि मेरी बीमारियों की क्या वजह थी। दोस्तों, मैं आपको अपनी बीमारियां बताता हूं। मेरी एक बीमारी है कि
मेरे घुटनों में दर्द है, मैं आलती पालती मार के नहीं बैठ पाता हूं, बैठता हूं टांग सीधी करता हूं तो दर्द होता है। मेरी दूसरी बीमारी यह है कि मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है। मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे इसका कारण बताया कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से आपका हेयर लॉस हो गया है, यानी आपको सुनाई देना कम हो गया है। मैंने जब घुटनों के बारे में पूछा डॉक्टर से तो डॉक्टर ने बोला कि आप चूंकि काफी ज्यादा दौड़े हैं हार्ड सरफेस पर, इसलिए आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो गया है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे सिरदर्द होता है। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होता है। मैंने लुईस हे की किताब खोली तो उसकी एडवाइस डॉक्टर जैसी नहीं थी। मुझे लुईस हे ने बोला अपनी इस किताब के जरिए, उसने बोला कि आप स्वभाव से जिद्दी हैं, आप आसानी से किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है सिर्फ आप ठीक हैं, दूसरे नहीं, इसलिए आपको सुनाई देना कम होता जा रहा है। ये एक सोचने का आपका तरीका है जिसकी वजह से ये बीमारी है। दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा पार्टनर, मेरा बचपन का साथी संजीव छिब्बर भी मुझे यही बात कहता था। वो मुझे अक्सर कहता था जब मैं उससे बहस करता था कि चेतन तू दूसरों की बात नहीं सुनता है, तू सिर्फ अपनी चलाता है, दूसरों के विचार को तवज्जो नहीं देता है। अब अगर मेरे अंदर ये बात है तो मैं उसके इस विचार को भी कैसे तवज्जो देता, मुझे उसकी ये बात कभी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने लुईस हे को पढ़ा तो मुझे लगा ये तो वही बात कह रही है जो संजीव छिब्बर कहता था। उस दिन दोस्तों पहली बार मैंने अपने अंदर झांका और मुझे लगा कि ये वाकई में सच है, ये वास्तव में ठीक है। और मैंने तय किया कि मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा, मैं अपने रिएक्ट करने के तरीके को बदलूंगा। मैंने माइग्रेन के लिए देखा तो माइग्रेन में उन्होंने लिखा हुआ था कि आप बहुत ज्यादा चीजों को गहराई में दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, तनाव में रहते हैं, इसलिए होता है। इस बुक में जो जो मेरे बारे में लिखा था एक एक अक्षर सच था, और मेरी उसी सोच की संतान थी मेरी ये बीमारियां। आपको भी जो जो बीमारी है वो आपके किसी ना किसी तरह से सोचने के तरीके की संतान भर है। दोस्तों, मैं आपको स्टेज पे यही साबित करूंगा, कोई आप में से 5 लोग स्टेज पर मेरे पास आए जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, और मैं बताऊंगा उनके सोचने का क्या तरीका है जिसकी वजह से वो बीमारी है। एनी 5 पीपल, ओके, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है। आगे आ जाओ आप पीछे रहना बाकी। क्या नाम है? मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है। धीरेंद्र कुमार, क्या धीरेंद्र, क्या तकलीफ है आपको? सर मेरे स्किन डिजीट प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ज्यादा मैं गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करना तो आपका विकार है, मैं बीमारी पूछ रहा हूँ। स्किन डिजीट प्रॉब्लम, स्किन में स्किन दिक्कत है। ओके, खड़े होइए। प्रांजलि जयसवाल। प्रांजलि, क्या प्रॉब्लम है? आई एम सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, खून की कमी है आपको? सर मेरा नाम ललित कुमार है और मुझे जॉन्डिस का शिकायत है। आपको जॉन्डिस का शिकायत है इस टाइम? पी लिया? यस सर। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूं, और मुझे कमर दर्द की शिकायत, बैक पेन है आपको? सर मेरा नाम अमृत लाल है और मेरे पेट में पथरी है। पेट में पथरी है, स्टोन है। मेरा नाम सुरेश शर्मा हुआ और मैं राजगीर से बिलोंग करता हूं, और मेरे जब रात का समय होता है तो सर में दर्द हो जाता है। आपको सिर दर्द होता है रात को? सर आपका हो गया। आपको क्या था? जॉन्डिस। इसके बारे में लिखा हुआ है, आप आगे आना, अगर ये सच हो तो सबको जरूर बताना। जॉन्डिस के लिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी ये बदलाव को आसानी से मंजूर नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। दूसरा रीजन है फियर, यानी कि डर। तीसरा रीजन है एंगर, यानी कि गुस्सा। हेट्रेड, यानी कि नफरत। आप किसी ना किसी से नफरत करते हैं, गुस्सा पाल के बैठे हैं,
कोई डर है या रेजिस्टेंस टू चेंज है, ऐसा है कुछ आपके साथ? यस सर। बोलो जोर से, है कि नहीं? यस सर। क्या आप जॉन्डी अपना ठीक करना चाहते हैं? दोस्तों जो भी चीजें हमारे अंदर हैं, जो भी नेगेटिव सोच, चाहे वो किसी के लिए गुस्सा हो, चाहे किसी के लिए नफरत हो, इससे उसको फायदा नहीं होता है, इससे सिर्फ हमें खुद को नुकसान होता है। ध्यान से सोचिए, जब आप किसी को गाली देते हैं तो आप खुश होकर गाली नहीं देते हैं, जब आप किसी को डांटते हैं तो खुश होकर डांटते नहीं हैं। आप अपने अंदर एक पूरा ज्वालामुखी जगाते हैं किसी को गाली देने के लिए, किसी को गुस्सा करने के लिए खुद को अंदर से जलाते हैं। और हमारे शरीर में सबसे ताकतवर चीज हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में हजारों लाखों